रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा वाटर पोल्यूशन की फर्स्ट रीज़न डोमेस्टिक इफ्लुएंट। अब इसके बाद जो रीज़न है वह सबसे बड़ी रीज़न जो इसकी सेकंड नंबर पे आती है, दैट इज़ एक्चुअली एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट। अब एग्रीकल्चर में दो चीज़ें जो वाफिर मिकदार में इस्तेमाल होती हैं और एक्सेसिवली यूज़ हो रही हैं, वो दो चीज़ें, एक तो फर्टिलाइजर्स और दूसरी पेस्टिसाइड्स। और ये दोनों चीज़ें जो है वाटर को पोल्यूट करने में सबसे आगे आगे हैं। अब ये दोनों फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ये किस तरह से वाटर को पोल्यूट करती हैं, तो फर्टिलाइजर जो बेसिकली इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है और ये प्लांट्स में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन पिछले चंद वर्षों में इनका एक्सेसिव यूज़ हो रहा है और एक्सेसिव यूज़ से ये नाइट्रोजन की अमाउंट और जो है फास्फोरस की अमाउंट जो ज़मीन के अंदर वो बढ़ती जा रही है। और यही जो है उसके बाद सेकेंडली के पेस्टिसाइड्स जो हैं वो क्या करते हैं कि बेसिकली पेस्टिसाइड्स आर दोज मेडिसिंस और ड्रग्स और कंपाउंड्स which are used to kill the weeds, herbs, insects or virus or fungi. इन सब को कलेक्टिवली हम पेस्ट कहते हैं, pests. तो pest can be virus, pest can be weed, pest can be anything other than crop जिसको kill करने के लिए कोई chemical use किया जाता है, जो chemical use किया जाता है उसको pesticide कहते हैं। तो ये कीड़े मार अद्वियात या जो जड़ी बूटियां तल्फ करने वाली अद्वियात हैं उनको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। अब ये भी ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं और ये पॉइजनस होते हैं। तो ये दोनों मिलकर किस तरह से वाटर को पोल्यूट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल के अगर ये लैंड के ऊपर रहें तो किस तरह से इफेक्ट करेंगे। तो क्या होता है कि जब एक्सेसिव अमाउंट हो जाती है तो ये सीप करते करते नीचे अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं ये सब्सटेंसेस। इनके अंदर जो फास्फोरस वगैरह हैं और नाइट्रोजन जो है वो सीप करते हुए अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंचते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। अब इसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि फॉस्फेट आयन उसमें शामिल हो जाएंगे, नाइट्रेट आयन उसमें शामिल हो जाएंगे और इस तरह से अंडरग्राउंड वाटर ख़राब हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि अगर यही चीज़ उसी ज़मीन के अंदर ना रहे बल्कि बारिश वगैरह होने की वजह से या फ्लड्स वगैरह की वजह से वहाँ से वो जो ऑर्गेनिक कॉन्टेंट्स हैं, जो नाइट्रेट आयन हैं और दूसरी जो फॉस्फेट आयन्स वगैरह, फॉस्फेट साल्ट हैं, वो वॉश आउट होके बारिश की वजह से वॉश आउट होके वो चले जाते हैं उसमें लेक्स में, पाउंड्स में, रिवर में। वहाँ पे ना सिर्फ ये एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करते हैं बल्कि वहाँ पे पाउंड्स वगैरह और लेक्स वगैरह में जो है एल्जी जो है उनके लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। एल्जी जो है उनको यूटिलाइज करते हैं, फॉस्फेट आयन्स को, नाइट्रेट आयन्स को, और अपने लिए फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं और इस तरह से उनकी रैपिड ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और वो पूरे पॉन्ड के ऊपर एक जो है वो उनका कलोनी सी बन जाती है। नाउ डैट इज़ कॉल्ड एल्गल ब्लूम और एल्गल ब्लूम आप उसको कह सकते हैं। और तो उसकी जो काज है वही ये फर्टिलाइजर्स के अंदर फॉस्फेट आयन और नाइट्रेट आयन वगैरह हैं और पेस्टिसाइड के अंदर जो फॉस्फोरस के कंपाउंड्स होते हैं उस वो, तो वो एल्गल ब्लूम की मेजर रीज़न है। और इस वजह से क्या होता है कि जब वो एल्जी पूरे पॉन्ड्स के ऊपर ग्रो कर जाते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई नीचे वाली लाइफ को, एक्वाटिक लाइफ जो भी है उसको सप्लाई ऑक्सीजन की बंद हो जाती है, उनको ऑक्सीजन मिलना, तो वो भी प्लांट्स जो पॉन्ड के अंदर हैं तो उसका पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर जो है कंज्यूमर अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएंगे।
दूसरी बात यह है कि जब ये डेड हो जाते हैं एल्जी, तो ये कंज्यूम करते हैं बहुत सारी ऑक्सीजन को, और बाकी बचे खुचे जानदार भी जो उस पॉन्ड में होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से दे आर हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक लाइफ, फॉर द इकोसिस्टम ऑफ द लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मेजर जो इफ्लुएंट हैं एग्रीकल्चर के, वो फर्टिलाइजर्स हैं और पेस्टिसाइड्स हैं, और इनकी वजह से दो प्रोसेसेस हैं, जो लीचिंग के सीप कर जाना उनका केमिकल्स का, और दूसरा है कि उनका वॉश आउट होके, फील्ड से वॉश आउट होके वहाँ उसमें लेक्स और पॉन्ड्स में चले जाना, डेट विल कॉज एल्गल ब्लूम एंड एक्वाटिक डेथ। थैंक यू वेरी मच। Hopefully you